हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने दम आलू की सब्जी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही कम समय में बनती है और बहुत ही कम सामान चाहिए। इसके लिए मैंने 5 आलू लिए हैं, 1.5 तेज पत्ता, 2 काली मिर्च और 4-5 2 इलायची और 4-5 काली मिर्च, 2 चम्मच बेसन और आधा कटोरी दही। यहाँ मैंने जो आलू लिए हैं, ये कच्चे आलू हैं, इन्हें मैंने छीला है। अब इसमें मैं थोड़ा छेद करूँगी जिससे ऑयल इसके अंदर चला जाए और अंदर से ये कच्चे ना रहे। अभी जो ये दही ली है मैंने, इसमें मैं 2 चम्मच बेसन मिलाऊंगी अच्छे से। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये बाद में हमें छोंक में तैयार काम आएगा। यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें एक एक करके सारे आलू डाल दूँगी और इन आलू को थोड़ा सुनहरा होने तक फ्राई करूँगी। ये आलू अब मैं फ्राई कर रही हूँ, इनका कलर देखो, सुनहरी कलर होने लग रहा है। इसके बाद मैं इन्हें निकाल लूँगी। 1 चम्मच जीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची और ये थोड़ा सा तेज पत्ता। इसके बाद इसमें 1 चम्मच हल्दी। कलर लाने के लिए 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। अभी हमने गैस को लो फ्लेम पे कर लिया है। इसके बाद हम इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था, दही और बेसन का, इसको डालेंगे और काफ़ी देर इसको चलाएंगे जिससे हमारी दही फटे नहीं। इसको हमेशा लो फ्लेम पर ही डालना चाहिए जब हमारा तेल ज़्यादा कुछ गर्म ना रहे। 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार। अब ये छोंक हमारा लगभग तैयार हो गया है क्योंकि ये अब ऑयल छोड़ने लगा है। अभी मैं इसमें 1 बाउल पानी का डालूँगी और इसे बॉईल करूँगी। यहाँ हमें गैस को हाई फ्लेम पर कर लेना है और इसे बहुत ही अच्छे से चलाना है ताकि ये सारा मिक्स हो जाए। अब इसमें हम एक एक करके आलू डाल देंगे और इसे 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। अभी पेस्ट गाढ़ा होने लगा है। अभी इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हींग और हरा धनिया डालकर इसे ढक देंगे। अभी ये हमारी दम आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई। अब इसे गर्मा गर्म परोसिए और बनाकर देखिए। जल्दी फटाफट किचन में जाइए और खूब घर वाले आपकी तारीफ करेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही जल्दी बन जाती है।